अगर आप स्मोकर हैं तो ये बात आप जानते होंगे कि सिगरेट पीना जानलेवा है, बट ये आपके शरीर और आपके लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं जीतर चौधरी आप सभी को हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं सिगरेट पीने के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं हमारे शरीर को, जैसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम को बुरी तरह से वो अफेक्ट करता है। स्मोकिंग लंग कैंसर का सबसे बड़ा रीजन है। अराउंड 85% जो केसेस होते हैं लंग कैंसर के वो स्मोक के कारण ही होते हैं। तंबाकू के धुएं में मौजूद कार्सिनोजेन लंग्स की परत वाली सेल्स को नुकसान पहुँचाते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको COPD कहते हैं, अनदर मेजर इशू है जो स्मोकिंग करने से होते हैं, जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिशेमा इंक्लूड होते हैं। स्मोकिंग आपके फेफड़े में जो एयर वेज होते हैं और बायोथैली होते हैं उसको नुकसान पहुँचाते हैं और इससे आपको खांसी होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। और सिगरेट पीने से आपको अस्थमा होगी और आपके अस्थमा को और वो बद से बदतर बना दे। स्मोकिंग आपके फेफड़े के वायु मार्ग को परेशान करके इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं और आपके अस्थमा को बद से बदतर बना देता है। ये सारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इश्यूज मैंने बताया ये आपके ब्रीदिंग प्रॉब्लम को और इंक्रीज करते हैं, जिससे आप क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जाते हैं और आपको अच्छी जिंदगी जीने में तकलीफ होती है। नंबर टू, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरी तरह अफेक्ट करता है, ये आपके हार्ट हेल्थ को बुरी तरह प्रभावित करता है। ज़्यादातर जो मौतें होती है हार्ट डिजीज की वो स्मोकिंग के कारण ही होती है पूरी दुनिया में। स्मोकिंग है जो आपके आर्टरीज के लाइन को डैमेज करता है और वो फैटी मटेरियल को बिल्डअप करता है जिससे हार्ट अटैक होता है, और स्मोकिंग से स्ट्रोक भी होता है जैसे आप लोग जानते हो। स्मोक सेम प्रोसेस को रिपीट करता है और हार्ट को नुकसान पहुंचाता है और वो आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको स्ट्रोक होने के चांसेस दोगुना होते हैं। और स्मोक करने से एक और डिजीज होते हैं जैसे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जिसको बोलते हैं PAD। यह तब होता है जब हार्ट और ब्रेन के बाहर ब्लड वेसल नैरो हो जाता है जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नंबर थ्री, इम्यून सिस्टम। स्मोकिंग इम्यून सिस्टम को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। कैसे करता है मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली स्मोकिंग आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जो आपकी इन्फेक्शन और डिजीज से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको कमज़ोर कर देता है, जिससे आप फ्लू जैसे बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं होते। इससे ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है जहाँ आपका शरीर खुद पर हमला करना शुरू कर देता है, खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। स्मोकिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों से जुड़ा होता है, यह आपके इम्यून सिस्टम को बुरी तरह से डैमेज कर देता है जिससे आपकी डिजीज से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, जहां इम्यून सिस्टम बॉडी के अपने टिश्यू पे ही हमला करना शुरू कर देता है। नंबर फोर, कैंसर। जैसे आप सिगरेट पीते हो तो सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है तो स्मोकिंग किल्स या स्मोकिंग कॉज कैंसर। स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। यहाँ पर बहुत सारे कैंसर हैं जैसे स्मोकिंग से होते हैं। ओरल कैंसर, ओरल कैंसर की बात करें तो जैसे मुंह का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया, ईसोफेगस हो गया, ये सारे कैंसर शामिल है। और ये कैसे होता है, जब आप सिगरेट पीते हो तो सिगरेट के धुएं में कार्सिनोजेंस होते हैं जो डायरेक्ट आपके मुंह, गला और ईसोफेगस को अफेक्ट करता है, जिससे माउथ कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग से और भी दूसरे कैंसर होते हैं जैसे ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर, पैनक्रियास कैंसर, लीवर कैंसर, सर्विक कैंसर, ये सब भी कैंसर होते हैं स्मोकिंग करने। और स्मोकिंग करने से ये सारे कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। नंबर फाइव, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। स्मोकिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्सुअल हेल्थ को अफेक्ट करता है। स्मोकिंग आपके इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण है। ये आपके हार्मोन प्रोडक्शन को डैमेज करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहे मेल हो या फीमेल हो उसको डैमेज करता है, जो फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है। सिगरेट पीना खासकर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत हार्मफुल है, उनको सिगरेट नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन को इंक्रीज कर देता है, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को बढ़ा देता है, मिसकैरेज होने का चांसेस बढ़ जाता है, समय से पहले जन्म होने का खतरा बढ़ जाता है,
जन्म के समय बच्चों में कम वजन होने के खतरा बढ़ गया। सडन इन्फेंट डेथ SIDS नवजात बच्चे की डेथ की चांसेस बढ़ जाती है। तो इसीलिए खासकर प्रेगनेंट वुमन को सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अगर आप सिगरेट पीते हो तो नपुंसकता बढ़ जाती है। सिगरेट पीने से इरेक्टाइल डाइज फंक्शन का खतरा बढ़ता है। अगर आप मर्द हो, स्मोकिंग इरेक्टाइल डाइज फंक्शन का सबसे बड़ा रीजन है। ये आपके पेनिस में ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जिससे इरेक्टाइल डाइज फंक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। नंबर 6, डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मोकिंग आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरह अफेक्ट करता है। स्मोकिंग है जो स्टमक एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है और यह आपके स्टमक कैविटी को कम कर देता है, जिससे स्टमक खुद को बचा सके और इससे अल्सर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग करने से गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको GERD कहते हैं, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली स्मोकिंग आपके एसोफेजियल को कमज़ोर कर देता है, जिससे पेट का एसिड वापस ईसोफेगस में फ्लो करने लगता है। नंबर 7, मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम, ऑस्टियोपोरोसिस। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो यह बोन डेंसिटी को डिक्रीज करने लगता है, जिससे आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है और फ्रैक्चर और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग करने से क्रोनिक इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। स्मोकिंग करने से इस बीमारी का चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 8, डर्मेटोलॉजिकल इफेक्ट्स। अगर आप स्मोक करते हैं तो ये आपके स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल है। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपकी स्किन की एज बढ़ जाती है। स्मोक करने से आपके ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जो आपको प्री मैच्योर एजिंग दिखने लगता है। स्मोकिंग से स्किन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिससे स्किन वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, जिससे झुर्रियां और स्किन का कलर फीका पड़ने लगता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके घाव ठीक से नहीं भर पाते और घाव भरने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि स्मोकिंग करने से ब्लड फ्लो कम होता है, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, जिससे आपकी घाव भरने की जो एबिलिटी होती है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और आपकी घाव जल्दी ठीक नहीं होती, इसीलिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए। नंबर 9, नर्वस सिस्टम। सिगरेट पीने से ये आपके दिमाग पे भी काफ़ी गहरा असर डालता है, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होता है जो आपको एडिक्टिव बनाता है, आपको सिगरेट पीने के प्रति मोटिवेट करता है, बेसिकली एडिक्शन इंक्रीज करता है और आपको नशे की लत लगाता है। और विड्रॉल सिम्टम जैसे इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और क्रेविंग इंक्रीज हो जाता है। मेंटल हेल्थ के लिए स्मोकिंग काफ़ी नुकसानदेह, इसीलिए स्मोकिंग नहीं करता। कैसे मैं आपको बताता हूँ, स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का, इसीलिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए। इन सारी मेंटल हेल्थ इशू से छुटकारा पाना चाहते हो तो। नंबर 10, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स। स्मोकिंग आपकी आंखों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। अगर आप स्मोक करते हो तो ये हो सकता है आई साइट आपका कमज़ोर हो जाए, आपको विजिबिलिटी डिक्रीज होने लगे। स्मोकिंग से मोतियाबिंद और हो सकता है कि आप बहरे भी हो सकते हो। स्मोकिंग आपके कान पर काफ़ी गहरा असर डालता है। स्मोक करने से जो ब्लड फ्लो होते हैं आप कान के ब्लड वेसल को उसको डैमेज करता है, जिससे ब्लड फ्लो कम होता है, जिससे आपके कान डैमेज हो सकते हैं और आप बहरे हो सकते हैं। नंबर 11, जनरल हेल्थ। वैसे तो मैंने आपको बताया कि सिगरेट हमारे शरीर पे किस तरह से हार्मफुल इफेक्ट डालता है, तो अब जनरल हेल्थ की बात करते हैं। जनरल हेल्थ में ये आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्मोकिंग करने से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ये आपके हार्ट, ब्रेन और इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। जो स्मोकर होते हैं उनकी एवरेज 10 ईयर्स की लाइफ कम हो जाती है, जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनके कंपेयर में। जो लोग स्मोक करते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिक्रीज हो जाती है। अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं तो सिगरेट पीना छोड़ दो, क्योंकि आप सिगरेट पियोगे तो ये आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं, लंग्स के लिए अच्छा नहीं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए सिगरेट छोड़ देना चाहिए। और सिगरेट पीने से जो पुरानी बीमारियां होती हैं उनके इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाता है, जिससे आपको पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है और डिसेबिलिटी भी हो सकता है, इसीलिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, सिगरेट पीने से ये सारी हार्मफुल इम्पैक्ट आपके शरीर पर होता है। तो आज ही
खुद से प्रॉमिस करें कि आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है सिगरेट पीने से क्या क्या हार्मफुल होते हैं, आपके शरीर को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो कोशिश करिए सिगरेट न पीना, नो मोर सिगरेट स्मोक फ्री। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, साथ ही कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।